नदी में जाएगा। में ही खड़ा उसके बाद जब ये बह गया था तो उसके बाद उसे बांध दिया गया था। जय माता दी। दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार सफर के बाद हम पहुंचे हतेश्वरी मंदिर, जिसको आप शायद हाथकोटी मंदिर के नाम से या फिर महिषासुर मर्दिनी के मंदिर के नाम से भी जानते होंगे। यही तो हमारे धर्म की एक खास बात है। नाम तो बहुत सारे हैं, नाम अनेक और रूप एक। ये दुर्गा माँ का ही मंदिर है जिसे यहाँ के लोग हतेश्वरी मंदिर के नाम से जानते हैं। तो भाई, 12:15 बजे हम लोग निकले थे शिलाई से और हमें लगा था कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 5 और हम पहुंचे हैं अभी बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुंचे हैं हतेश्वरी टेम्पल। बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 6वीं या 9वीं शताब्दी में किया गया था। ये वही शताब्दी थी जब भारतवर्ष पर गुप्ता डायनेस्टी रूल करती थी। जिस जगह ये मंदिर बना हुआ है वहां पर जो भौगोलिक स्थिति है उस जगह की, वो ऐसी है कि वहां पर बारिश और बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से इस मंदिर को समय समय पर काफी नुकसान भी होता रहा है, जो आप इस मंदिर में देख भी सकते हैं। हालांकि इस मंदिर के नुकसान को समय समय पर ठीक भी किया जाता रहा है। यहाँ का जो निर्माण है और यहाँ के जो पत्थर हैं उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर सच में बहुत ही पुराना मंदिर है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने की थी। मंदिर में आते ही आपको एक एहसास होगा, एक ऐसा एहसास जिसको मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता। आपको यहाँ आना चाहिए, तभी आपको वो एहसास होता है जो मंदिर में जाने के बाद आपको होना चाहिए। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की एक खास बात और है, इस मंदिर में एक शिव जी का भी मंदिर है। आइए वो दिखाता हूँ आपको। ये शिवालय है भोले बाबा का। जय हो। इस मंदिर की एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आपको यहाँ पर हर जगह ऐसे स्टोन मिलेंगे जिस पर शायद नटराज जी का फेस बना हुआ है। नटराज जी का फेस अगर आप देखेंगे, हालांकि ये बहुत पुराना होगा इसीलिए अब काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया है। ये है भोलेनाथ। ऊपर भी नटराज जी का फेस बना हुआ है, घंटे पे कपड़ा बांधा गया है और नीचे है भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूं मंदिर के। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हे भगवान, ऐसा लग रहा है इस गुफा में आगे जैसे मैं शिव शंभू के पास आ गया हूं बिल्कुल। हे मेरे भगवान, ये देखिए ये मूर्तियां, ये देखिए। अगर कहीं पर स्वर्ग आपको मिल सकता है ढूंढने से तो शायद वो शिवजी के इस मंदिर में ही मिल सकता है। जय शिव शंभू। मैं इस समय हतेश्वरी देवी के मंदिर में हूँ और भोलेनाथ का भी यहाँ पर एक स्थान है। उस भोलेनाथ के स्थान पर मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि बहुत छोटा सा ये एक भोलेनाथ के यहाँ पर एक मंदिर है अलग से बनाया हुआ है जो, और ये बहुत ही इसमें मूर्तियां भी रखी हुई है अलग अलग तरह की। आप भोलेनाथ की इस शिवलिंग का आकार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझना चाहते हैं सच में कि अंतरिक्ष कैसा है कैसा नहीं, तो आप भोलेनाथ के शिवलिंग के आकार से और शिवलिंग जिस पे रखा हुआ है, ये जो बेस है शिवलिंग का, जिसे हम लोग कहते हैं कि भगवान शिवलिंग जो का जो मतलब है वो एक योनि है बेसिकली, और ऊपर और नीचे फीमेल और मेल की। तो अगर हम उस चीज को यूनिवर्स से जोड़ने की कोशिश करें, बिग बैंग थ्योरी से जोड़ने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यूनिवर्स का आकार भी कुछ ऐसा ही होगा जैसे हमारे शिवलिंग का आकार है। और इसी तरह से अगर पृथ्वी की, अगर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई होगी किसी भी तरह से, तो वो इसी तरह से हुई होगी। आप इसमें पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं इस शिवलिंग में। ऊपर से देखिए मटके से पानी की बूंदें गिर रही हैं, ठीक है, मटके से पानी की बूंदें शिवलिंग पे गिरती हैं।
शिवलिंग के बाद वो पूरी बूंदे इस जो बेस है इस पे तैरने के बाद वहां से बाहर निकलती है। समझिए यही अंतरिक्ष है, यहाँ कहीं से एनर्जी आती है थोड़ी सी और वो थोड़ी सी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, यूनिवर्स में पूरा घूमने के बाद वो एनर्जी बाहर निकल जाती है। सिंपल से सिंपल, सिंपल इससे सिंपल और कुछ नहीं है। जो भी चीज यूनिवर्स में आती है वो यूनिवर्स को छोड़कर बाहर निकल जाती है, पर वो जब तक यूनिवर्स के अंदर रहती है उसे ही आप अंतरिक्ष कहते हैं। हम इस समय यूनिवर्स के अंदर हैं, इसीलिए हम अंतरिक्ष के अंदर हैं। जब हम अंतरिक्ष के बाहर निकल जाएंगे, अंतरिक्ष एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है, अगर हम अंतरिक्ष के बाहर निकल जाएंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा होना है, हम सब लोग इस शिवलिंग के बाहर होने वाले हैं। मुझे नहीं पता आपको कितनी मेरी थ्योरी समझ में आती है कितनी नहीं, पर भगवान शिव तो आपको समझ में आते ही होंगे, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद। एक बार और दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मंदिर परिसर में देखेंगे क्या क्या है। जय शिव शंभु, आशीर्वाद देना भगवान। सारे मंदिर ऐसे हैं हमारे जिसमें फोटोग्राफी वगैरह मना है, वीडियोग्राफी वगैरह मना है, और शायद हम कुछ सालों बाद यहाँ भी मना हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया जैसे एक कुछ ड्रैगन टाइप का लगता है, दो हैं और माता जी भी बैठी हुई हैं। माता जी बता देंगी हमारे लिए कुछ गुड वाइब्स, अच्छी वाइब्स आ जाती हैं। ये है वो घड़ा, ये घड़े की जरा कहानी बताएंगे थोड़ी सी? पंडित जी जानते हैं? पंडित जी राम राम। पंडित जी राम राम जी। घड़े की कहानी ऐसे कहते, पहले ये दो थे। अच्छा, एक ही साइड में था जी। हाँ जी। और एक ही साइड में था। हाँ जी। रखा है। हाँ जी। बरसात में कहते सब फ्लड आया, जिसकी वजह से ये यहाँ से भाग गए थे, दोनों चले गए थे, चला गए थे यहाँ से। अच्छा, तो ये दोनों जो है कहीं खंडहर में फंस गया। अच्छा, ये कुछ बड़ा था, इधर हाँ, वाला छोटा था। अच्छा, ये खंडहर में फंसने के बाद जो है इसको यहाँ पर राजा विराट की नगरी है। अच्छा, राजा विराट की नगरी कहते हैं इसको। हाँ जी। तो उनके लोगों ने इसको पकड़ा और उसके बाद कहते हैं बांधा गया है। अच्छा, जंजीर से तभी बांधा हुआ है, तभी ये जंजीर है। उसके बाद आज तो सतयुग का, कलयुग का बेरा है, कलयुग में कुछ नहीं होता, कलयुग में नहीं जाएगा, कलयुग में कहीं नहीं जाता। तब तो माता रानी के पास रहना ज्यादा बेटर है। सतयुग में की कहानियां हैं, कलयुग की कहानी कुछ नहीं है। दान जरूर करना चाहिए। देखिए हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई हैं। बहुत सारे शहरों में ऐसा हो रहा है कि हिंदू धर्म जो है वो पीछे खत्म किया जा रहा है, और इसके पीछे लोग कहते हैं कि चाल है कुछ लोगों की। अब हम एक बार कैमरा घुमा दो अंदर से मेरा, यहीं से जी अंदर नहीं जाता। अभी नहीं ठहरे, अभी तो आए हैं। पाँच घंटे लगा दिए शिलाई से। अरे पता नहीं, रोड बहुत शिमला यहाँ से 100 किलोमीटर, 2-2.5 घंटे शिमला आराम से पहुंच सकते हैं। ये है वो घड़ा, रहस्यमय घड़ा। तो दोस्तों हर रहस्यमय मंदिर की तरह यहाँ भी एक रहस्य है, और वो रहस्य है बंटे का। बंटा मतलब लोकल भाषा में बंटा कहते हैं उसे कुछ लोग, हम उसे घड़ा कहते हैं। घड़े का रहस्य है, यहाँ पर दो बड़े बड़े घड़े हैं जिनको हिलाना भी बहुत मुश्किल है, पर अक्सर वो घड़े भाग जाते हैं। और ऐसा कहना है लोकल लोगों का कि ये घड़े एक्चुअली में माता रानी के चौकीदार हैं, गार्ड्स हैं, जो माता रानी के दर्शन करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, पर वो कहाँ जाना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक चौकीदार जो है माता रानी का, जो एक यहाँ पर जो घड़े के रूप में, सिंबल के रूप में यहाँ पर चौकीदार है, वो भाग चुका है मंदिर को, इसी मंदिर को छोड़कर। इसी वजह से अब जो है घड़े को एक चेन से, एक जंजीर से बांधकर रखा जाता है, और इस घड़े की भी पूजा की जाती है, क्योंकि माता जी के दर पर जो भी है वो पूजनीय है, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो। गणेश जी की प्रतिमा है का जो मंदिर है, उस पर आप देखिए थोड़ा सा वो लाल सैफ्रॉन कलर ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर तो खैर ऐसा ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि भोलेनाथ तो इस दुनिया में सबसे अलग है। ये मंदिर परिसर है, यहाँ पर ये भी छोटा सा एक स्थान बनाया गया है,
और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें कारीगरी की गई है, जो भवन बनाया हुआ है, ये मंदिर के जो स्टाफ काम करता है उनके रहने के लिए ये जगह है। ये मंदिर का पीछे का एरिया है, आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लाके नारियल और बांध सकते हैं वो चुन्नी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कॉस्मोस बाबा का? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको माता रानी के दर्शन भी हो गए हैं। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दीजिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे शिमला, और अब शिमला के वीडियोस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। टनल से निकलने के बाद जो चढ़ाई है मॉल रोड के लिए उसने थका दिया, जो दूध जलेबी खाई थी ना सब डाइजेस्ट हो गई। अभी मैं मॉल रोड पे हूँ शायद, होपफुली, और बीचों बीच ही हूँ मॉल रोड के, मौसम अच्छा है। तो अभी कुछ गर्म चीज़ पीते हैं।